बाढ़ से कहां कहां मचा है हाहाकार। अमेरिका, लंदन और पाकिस्तान में कैसे लोगों को डरा रहा है सैलाब और कहां पर उफनती नदी को चुनौती देते नजर आए लोग। इन सभी खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 कुदरत का कहर। चीन के कई प्रांतों में सैलाब कहर बरपा रहा है। शंशी और सिचुआन प्रांत बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब तक बाढ़ से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। शिनझू, ताओहुआई और यांतो में सब कुछ डूब चुका है। कुदरत का कोप सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अमेरिका भी झेल रहा है। फ्लोरिडा के मियामी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें, पार्किंग सब जलमग्न है। पेंसिल्वेनिया भी पानी पानी हो चुका है। नदी की शक्ल ले चुकी ये सड़कें और दरिया बन चुके ये रिहायशी इलाके लंदन के हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से लंदन में हाहाकार है। स्लोएन स्क्वायर रेलवे स्टेशन, स्कूल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सब पानी पानी हो चुके हैं। सैलाब से शहर का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है। पाकिस्तान के एबटाबाद में उफनती झेलम नदी कहर मचा रही है। छोटी मोटी दीवारें, यहां तक कि पुल भी सैलाब के आगे दम तोड़ रहे हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, गाड़ियां पानी में डूबी हैं। शहर में हर तरफ बाढ़ से हाहाकार है। उत्तराखंड में जारी मूसलाधार बारिश के बीच देहरादून के कोठी से यह हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां उफनती नदी को चुनौती दे रहे लोग पुलिया पार करते दिखे। हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन एक चूक इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। हिमाचल के कांगड़ा में कल हुए भीषण लैंडस्लाइड के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। देर रात एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 5 लोगों को बचाया, जबकि 9 अन्य लोग अब भी लापता हैं। सैलाब में बही 11 साल की लड़की का शव भी बरामद हुआ है। मलबे की चपेट में आकर बोह गांव के 10 घर तबाह हो चुके हैं। बारिश की शक्ल में कुदरत हिमाचल प्रदेश में भी कहर ढा रही है। लगातार बारिश से यहां नदी नाले उफान पर हैं। कांगड़ा में एक कार बहकर नदी में जा फंसी तो लाहौल में NH3 पर मलबा भर चुका है। सैलाब का सितम शिमला समेत कई हिस्सों में जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ प्रभावित बिहार के मुजफ्फरपुर में चारों तरफ बर्बादी और तबाही के निशान हैं। इंसान तो इंसान, यहां प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए हैं। अहियापुर थाने तक 10 फीट पानी चढ़ चुका है। यहां तक किसी का पहुंचना जोखिम से भरा है। बाढ़ के बीच घिरे लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। काफी इंतजार के बाद दिल्ली NCR में मानसून की दस्तक से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की समस्या ने मुश्किलें बढ़ा दी। न सिर्फ IGI एयरपोर्ट बल्कि पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।